बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपके दुआओं से। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी। तो काफ़ी सब लोग पहले भी जानते होंगे, बट जो मेरे छोटे छोटे व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता होगा। वो खुद भी बना सकते हैं। ये जैसे कि नूर बना रही हैं, इनको मामा ने गाइड किया था, और ये खुद बना रही हैं। यानी कि इन्होंने एक एग जो है वो एक बोल में तोड़ के उसके अंदर 2 टेबल स्पून शुगर ऐड की, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बीट किया। इतना बीट किया कि एक तो शुगर भी डिसॉल्व हो गई, और दूसरा मिक्सचर जो है वो क्या हो गया, फॉर्मिक हो गया। और जो है जितना अच्छा फ्लफ़ी मिक्सचर बनकर रेडी होगा, उतने ही फ्रेंच टोस्ट नर्म और फ्लफ़ी गुई बनेंगे, ठीक है ना। और आप सब लोग कैसे हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं वो भी बताइएगा। और मज़ीद आप लोग मेरे इस चैनल पे क्या क्या देखना चाहते हैं, एनी चैलेंज फॉर मी टू डू, तो मैं वो भी करूँगी इंशाल्लाह। और जो है ना, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उस पर पूरी उतर सकूँ। उसके बाद इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे ही फॉर्मिक हो गया मिक्सचर, तो उसके बाद इसके अंदर दूध ऐड कर दिया गया, और दूध ऐड करके इसे फिर से मिक्स किया। वो मामा फिर कर रही थी, बिकॉज नूर ज़ाहरी सी बात है प्रो नहीं है अभी, तो मामा फिर कर रही थी। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको करके उसके बाद इसके अंदर पीस को एक डिप देना है, सिर्फ एक डिप देना है, एक साइड दोनों साइड्स को एक एक डिप देकर फिर आपने इसको फ्राई करने के लिए गरम जो आपके पास पैन है, तवा है, कुछ भी है, उसके ऊपर घी लगाकर इसको आपने कर देना है। तो ये रेडी हो जाएंगे। बहुत ही यमी, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े के फ्रेंच टोस्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।